मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राजधानी में लॉकडाउन को लेकर बोले कि 24 जुलाई की रात 8 बजे से राजधानी में 10 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवा, दूध की दुकान, सरकारी राशन की दुकान खुली रहेंगी। सरकारी राशन की दुकानों से भी बोला है कि वह 23-24 दो दिन में राशन बांट दे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह 4 तारीख की शाम 3 तारीख की शाम तक दस दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयाँ, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। भोपाल आने और जाने दोनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ई पास जारी होंगे जिनके माध्यम से लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे। जैसा पूर्व के लॉकडाउन में हम पिछले जाएंगे जब मई में, तब रखा था। अभी प्रार्थना दो दिन की, ये कल और परसों का दिन जो है इसमें सभी से प्रार्थना है कि वो जरूरी वस्तु ले लें। सरकारी राशन की दुकानों को भी कहा गया है कि परसों तक सभी गरीबों को राशन पूरा का पूरा जहां नहीं बटाए वहां बांट दिया जाए। जुलाई माह का पूरा राशन हर गरीब के घर पर पहुंच जाए, ये भी तय किया है। इंडस्ट्री खुली रहेगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ एक्सीलेटर स्टाफ और अधिकारी रहेंगे और कोई नहीं। 10 दिनों के अंदर सरकारी दफ्तर में भी इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक जो होगी मंगलवार को, वो भी वीसी के द्वारा ही होगी, कोई भी नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।